दीवारें, टपकती छतें, टूटे हुए शौचालय, यह मुंबई के उपनगर साकीनाका में पुलिस के घरों की स्थिति है। 180 वर्ग फीट के इन तंग घरों में, जिसमें औसतन 4 सदस्यों वाला परिवार रहता है। Many police housing complexes in Mumbai are in a sorry state, but the residents of these complexes are so scared for their jobs and houses that they fear to complain. We spoke to some women who live in these houses, but they didn't want to face the camera fearing retribution. आणि चौथा माळा पूर्ण लीकेज आहे, पूर्ण म्हणजे सगळ्यांचे रूम गळत आहेत, त्यांनी सगळ्यांनी पूर्ण गच्चीला प्लॅस्टिक घातलेले आहे। आम्ही स्वतः 20-20, 50-50 हजार रुपये घालून आम्ही रूम चांगले करून घेतलेले, काय तर आपल्याला अजून 4 वर्ष बाकी आहेत रिटायरला, आपलं काय पैसे वसूल होऊन जातात मग ते रूमचं काम जे आम्ही स्वतः राहतो ते आम्ही पदरचे पैसे घालून केले आणि जे जोडून दिलं आहे त्याला 1 रुपया गव्हर्नमेंटने आम्हाला खर्च केलेला नाही। 1995 में राज्य के आवास विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित इनमें से कुछ इमारतों को 2017 में असुरक्षित घोषित किया गया था। निवासियों को घर खाली करने के लिए कई नोटिस दिए गए थे, लेकिन कई अब भी यही रहते हैं, क्योंकि इसके बदले दिए गए घर न केवल छोटे हैं, बल्कि 1 साल पहले ही दिए गए थे। 180 ने 180 रूम है ना, मग आम्हाला दुसरा रूम पण दिलाय, मग आम्ही आता पसारा पण आमचा वाढवलाय सामान म्हण, कारण आम्हाला तेवढी जागा लागते म्हणून, आणि आता आम्हाला तुम्ही छोट्याशा रूम मध्ये राहायला जा म्हणाल तर कसं जाणार आम्ही, आणि 8-10 दिवसात तुम्ही नोटीस लावता आणि सांगता खाली करा लगेच म्हणून, असं कसं कुठे जाणार। द एंटायर यु नो द टास्क ऑफ मेंटेनन्स ऑफ द पोलीस क्वार्टर्स इट इज लेफ्ट टू द स्टेट PWD, द पुअर मेंटेनन्स दॅट टेक्स प्लेस बिकॉज द PWD डझंट ओनली लुक आफ्टर द पोलीस, दे लुक आफ्टर सो मेनी अदर थिंग्स अँड समटाइम देर इज नॉट बजेटरी ग्रँट्स अँड दे आर नॉट unlike a police officer who is only bothered about the well-being of his personnel, PWD doesn't have any such, you know, they don't have any such agendas. एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार 4 में 3 पुलिस कर्मचारी उन घरों से असंतुष्ट है जो उन्हें दिए गए हैं। पुलिस के सबसे निचले पायदान कॉन्स्टेबुलरी में असंतोष अधिक है, जो पूरे बल के 66% का गठन करता है। मध्य के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर है, जो विशेष रूप से अपने आवास से नाखुश है। करीब 78% कर्मी असंतुष्ट है, लेकिन ये कई समस्याओं में से केवल एक समस्या है। दूसरी बात ये है कि भारत में पुलिस कर्मियों के लिए पर्याप्त घर नहीं है। 2017 में लगभग 2 मिलियन सिविल और सशस्त्र पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिए केवल 0.6 मिलियन घर उपलब्ध थे, जो करीब 30% पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त है।